दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी, प्रदेश भाजपा प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी और जिला अध्यक्ष बजरंग शुक्ला सहित भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने मुंडका में पीड़ितों एवं उनके परिवारजनों से मुलाकात कर दुख व्यक्त किया और उन्हें हर संभव सहायता देने की बात कही। पत्रकारों से बातचीत करते हुए आदेश गुप्ता ने कहा कि फायर विभाग की दयनीय स्थिति का यह हाल है कि ना ही घटना स्थल पर समय पर सीढ़ी उपलब्ध हो पाई और ना ही क्रेन आ पाई। अगर समय पर क्रेन आ जाती तो लोगों को छत से कूदने की नौबत नहीं आती। दिल्ली के लोगों की जान के साथ खिलवाड़ अब दिल्ली बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर हम प्रारंभिक तौर पर देखें तो ये बिल्कुल मेन रोड पर ये बिल्डिंग है और मेन रोड पर बिल्डिंग में आग लगने के काफी देर के बाद फायर ब्रिगेड आते हैं और उनके पास भी पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं होती है, जिसके कारण से रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत देर तक शुरू नहीं होता है और जिसके कारण से निर्दोष जाने चली जाती हैं, लोगों को बाहर नहीं निकाला जाता है। मुझे जानकारी मिली कि जो लिफ्ट है, जो सीढ़ी है, वो उपलब्ध नहीं हो पाई थी समय से। अगर वो हो जाती तो बहुत सारे लोगों की जाने बचाई जा सकती है। अभी जितने भी निर्दोष जाने गई हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले संवेदना व्यक्त करके यहाँ पर उन मृतक लोगों को कंपनसेशन देने का भी अनाउंसमेंट किया तुरंत, और उसके बाद एनडीआरएफ भी भेजने का प्रबंध किया। लेकिन आज मुझे इस बात के कहते हुए अफसोस हो रहा है कि जो दिल्ली देश की राजधानी है वहाँ पर फायर जो दिल्ली फायर सर्विस है वो ज़्यादा इक्विप्ड होना चाहिए, ज़्यादा आधुनिक होना चाहिए। आज वही पुराने जमाने की मशीनों से काम चल रहा है। दिल्ली के अंदर तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरह की एक्टिविटी चलती है और फायर की एनओसी उनको मिली थी नहीं मिली थी ये तो फायर डिपार्टमेंट ही बताएगा, लेकिन जिस तरह से वहां जनरेटर चल रहा था ये भी दिल्ली सरकार के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि आप बिजली की आपूर्ति नहीं कर पा रहे, तो जनरेटर चल रहा था और वो जनरेटर के कारण आग लग सकती है। बाकी क्या वजह होगी वो सारी जांच की बात है। जहां तक कॉरपोरेशन की बात है, निगम के जो आयुक्त हैं उन्होंने तुरंत ही एक जांच कमेटी बनाई है जिसमें कुछ पॉइंट्स पर उन्होंने 48 घंटे के अंदर इसकी जांच हो इसके लिए आदेश दिए। मुझे लगता है कि दिल्ली में बार बार इस तरह की घटनाएं होती हैं, उनकी पुनरावृत्ति होती है और उससे दिल्ली सरकार कोई सबक नहीं लेती है। जहां तक मेरी जानकारी है दिल्ली सरकार के फायर डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो पैसे लेकर फायर की एनओसी देते हैं बिना कुछ देखे, बिना कुछ समझे, बिना कुछ सोचे, उन्हें किसी की जान की परवाह नहीं है। इसीलिए जिन 27 निर्दोष लोगों की जाने गई हैं उनका उनके परिवार के लोगों को मूल्य चुकाना पड़ा है और साथ ही साथ दिल्ली को भी एक दर्दनाक हादसा देखना पड़ा है, देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर इस तरह के घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए कदम उठाए जाने चाहिए। फायर अप्रूवल, फायर सेफ्टी सबसे पहले है, जीवन सबसे पहले है, बाद में सब कुछ है। इस बात को कड़ाई से लागू होना चाहिए। जिस समय अर्पित होटल में आग लगी थी उसके बाद कई जगह आग लग चुकी है, लेकिन हर बार वही कहानी होती है, हर बार वही बात होती है, लेकिन उसके बाद कोई कदम नहीं उठाए जाते हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। दिल्ली सरकार फायर अप्रूवल के लिए सिर्फ खाना पूर्ति करती है, एनओसी देने के लिए खाना पूर्ति करती है, इसके लिए जांच की जानी चाहिए। देखिए ये दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री समेत जितने मंत्री हैं इनको राजनीति करने से फुर्सत नहीं मिलती। ये 27 लोगों की जान चली गई और उस पर भी राजनीति कर, इन्हें अपने पार्टी का ही काम करने से फुर्सत नहीं मिल रही है। ये दिल्ली के बारे में क्या सोचे? दिल्ली में आज 70,000 करोड़ से ज्यादा बजट है। मेरे साथ मेरे नेता विपक्ष श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी हैं,
कितनी बार सवाल विधानसभा में उठाए गए कि आप फायर की व्यवस्था को आधुनिक बनाइए, दिल्ली देश की राजधानी है। आप दूसरे पर आरोप बढ़ना, जब भी अपने ऊपर बात आए तो दूसरे के ऊपर आरोप बढ़ना बहुत आसान होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि बुलडोजर चल रहा है तो इसके कारण से कोई दिक्कत आई। दिक्कत उनके दिमाग में है। अगर हम अतिक्रमण को हटाना चाहते हैं, वो अतिक्रमण भी कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां उत्पन्न करता है, उसी तरह से दिल्ली सरकार को भी कदम उठाने की जरूरत है। अगर उन्होंने फायर में जो कोताही बरती है, एनओसी नहीं दी या दी तो गलत तरीके से दे दी, उसकी जांच होनी चाहिए। और इस तरह का भ्रष्टाचार जो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो, ये दिल्ली बर्दाश्त नहीं करने वाली। अब दिल्ली बहुत आगे जा चुकी है और ऐसे में आप इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी की से मशीनों से काम ले रहे हैं, यहाँ पर एक डेढ़ घंटे बाद तक जो लिफ्ट है वो नहीं आ पाई, क्रेन नहीं आ पाई, सीढ़ियां नहीं आ पाई। अगर वो आ जाती तो लोगों को ऊपर से कूद कर घायल नहीं होते, कुछ लोगों की इस कारण भी जान गई। तो ये सवाल खड़ा करता है दिल्ली की फायर व्यवस्था पर, और मैं ये कहता हूँ कि जांच होकर सही बात सामने आएगी कौन इसका दोषी है। उन दोषियों को भी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बाद में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए अभी से कड़ाई बरतने की जरूरत है। देखिए, मुख्य कारण जिस तरह दिल्ली देश की राजधानी है, अगर यहाँ पर कोई गतिविधि होती है, एक्टिविटी होती है, तो जब हम कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाएं तो वहाँ पर फैक्ट्री लाइसेंस बिना फायर के अप्रूवल के नहीं मिलता है। अगर फायर के अप्रूवल नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, एनओसी होगा तो नहीं मिलेगा, बिना एनओसी के नहीं मिलेगा। तो सवाल है कि अगर ये एनओसी दिया गया तो गलत तरीके से दिया गया, क्योंकि एक ही गेट था, दूसरा गेट बंद था, या जो भी है वो तो जांच का विषय है। लेकिन मुझे लगता है कि समय समय पर इसकी जांच होनी चाहिए और इसमें जरूर जो दुर्घटना हुई है, समय पर नहीं फायर टेंडर का पहुंचना दिल्ली सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है।